Let's discuss exercise 4.5. The very first question is draw the following, in which 5 questions are given to you. The very first part I am taking, the square read with RE is equal to 5.1 centimeter. Ye question special case pe based hai. Maine ek introduction video mein special case ki video banayi thi, jahan humne do case discuss kiye the, a square with the given side, a rhombus with two diagonals. ठीक है, तो बेसिकली हमारा फर्स्ट केस है अ स्क्वायर विद अ गिवन साइड. ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है और ओनली वन साइड हमें पता है, तो अल्टीमेटली हमें इसकी सारी साइड्स पता है क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर सेम, राइट. तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे टू कंस्ट्रक्ट दिस. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक रफ फिगर डिजाइन करेंगे. तो लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर आर ई ए डी ब्री. ठीक है, क्या क्या गिवन है, ओनली आर दैट इज 5.1, बट चूंकि स्क्वायर है तो हम यहाँ लिख देंगे इन ए स्क्वायर ऑल साइड आर सेम, सो आर ई ई ए ए डी डी आर सबकी साइड क्या होंगी 5.1. तो सारी भी हम लिख देते हैं 5.1 5.1 5.1. ठीक है, नाउ सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या होती है स्क्वायर के बारे में, कि स्क्वायर के जितने भी एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, वो कितने होते हैं 90 डिग्री. तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिख दी, इन स्क्वायर ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, सो आर ई ए डी ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री. ठीक है, मैंने एल सिंबल बनाया, इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल आपको गिवन है. नाउ कंस्ट्रक्ट करना है इसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस लाइन बनाते हैं. यहाँ हमारी बेस लाइन क्या है, आर. फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ लाइन आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर. लेट्स ड्रॉ इट, दिस इज आर ई 5.1 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे, E और R दोनों पे 90 डिग्री का एंगल है, तो कोई सा भी आप पहले बना लीजिए. लेट्स से हम E को पहले लेते हैं, पॉइंट E को. द सेकंड स्टेप विल बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट E विद द हेल्प ऑफ कंपास. ठीक है, तो सेमी सर्किल बनाया, 60 120, इन दोनों के बीच में 90, तो ये हमारा 90 की लाइन हो गई, राइट. अब ये लाइन कितना आगे एक्सटेंड होगी, इसके लिए अगेन क्या इन्फॉर्मेशन है, ए इज इक्वल टू 5.1. तो E पे हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर दिया. अब फिर से E को सेंटर लेते हुए 5.1 रेडियस का आर्क लगाएंगे, जो कि इस एंगल रे को पॉइंट A पे इंटरसेक्ट करेगा. दिस इज द स्टेप नंबर 2 जो मैंने यहाँ लिख दिया है, यू कैन रीड. ठीक है, सो E को सेंटर लेके 5.1 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क लगाया, जो कि इस एंगल रे को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. थर्ड स्टेप, आर पे भी हमें क्या करना है, यहाँ हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर दिया, आर पे भी हमें फिर से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, सो थर्ड स्टेप विल बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट आर विद द हेल्प ऑफ कंपास. अगेन हम सेमी सर्किल बनाएंगे, 60 120, एंड दिस इज 90. ठीक है, अब ये रे कितनी आगे जाएगी, इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, आर डी. आर डी कितना है, 5.1. तो आर पे 90 डिग्री बनाने के बाद आर को सेंटर लेते हुए 5.1 सेंटीमीटर रेडियस फिल करके इस एंगल रे वाली लाइन पे आर्क कट करेंगे, जो कि इस एंगल रे को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगा. आर पे नीडल रखेंगे, 5.1 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क कट करेंगे, एंगल रे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, पॉइंट डी पे. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, हमने यहाँ मेंशन कर दिया. लास्ट स्टेप क्या बचा, आप देख सकते हैं, जॉइन डी विद ए. तो फोर्थ स्टेप विल बी जॉइन डी ए. तो लेट्स join it and mention all sides. All sides are 5.1. So this is your required square. Let's discuss question number 2. So here's your question number 2. ठीक है, मतलब question तो first ही है, but उसका part number 2. A rhombus whose diagonals are 5.2 and 6.4 centimeter long. अब आपको यहाँ एक rhombus given है, but उसका नाम क्या है ये आपको given नहीं है. तो आपको खुद से assume करना होगा. और डायगनल्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि दो डायगनल्स की लेंथ 5.2 एंड 6.4 सेंटीमीटर. तो हम एज्यूम कर लेते हैं इन सॉल्यूशन, वेरी फर्स्ट लेट्स एज्यूम द रोम्बस इज ए बी सी डी. ठीक है, यहाँ मैंने बना लिया रफ फिगर में ए बी सी डी, दिस इज द डायगनल. तो इसके डायगनल्स कौन कौन से होंगे, देखिए, सॉरी, दिस इज द रोम्बस. तो इसके डायगनल्स कौन कौन से होंगे, ए सी एंड बी डी. तो हम इन दोनों में से किसी भी एक को ए सी बोल देते हैं और दूसरे को बी डी. सो ए सी एंड बी डी विल बी डायगनल्स. Hence, say AC is 5.2 and BD is 6.4. So the rough figure is this one, right? अब इसको डिजाइन कैसे करना है, ये भी मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, स्पेशल केस नंबर 2.
रोम्बस विद गिवन डायगोनल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक डायगोनल को बेस लेते हुए उसे ड्रॉ करते हैं, फिर उसको परपेंडिकुलर बाइसेक करते हैं एंड देन फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी डायगोनल को बेस लेना है। तो लेट्स से मैंने एसी को बेस लाइन मान लिया, सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगी, ड्रॉ अ डायगोनल एसी 5.2 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लेट्स से मैंने ये डिजाइन कर दिया एसी, ठीक है एसी, और इस एसी की लेंथ कितनी है 5.2, राइट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो मोर देन लेंथ ऑफ एसी, मतलब एसी की आधे से थोड़ी सी ज्यादा लेंथ आपको कंपास में फिल करनी है, और एक बार ए को सेंटर लेना है, दोनों डायरेक्शन में आग लगाना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर सी को सेंटर लेना है, अगेन दोनों डायरेक्शन में आग लगाना है, जो कि प्रीवियसली ड्रॉन आग को इंटरसेक्ट करना चाहिए, और ये लाइन को आपको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। तो ये जो लाइन मिलेगी, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर बाइसेक्शन लाइन, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन इस एसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो लेट्स से द मिड पॉइंट ऑफ दिस इज O, या आप ये कह लीजिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्शन एसी को कहां इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ओ पे। ड्रॉ अ डायगोनल एसी 5.2 एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी व्हिच इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट ओ। इसको यहां ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, नाउ वी टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर लेते हैं, और जो दूसरा डायगोनल है दैट इज 6.4 उसकी लेंथ का हाफ कंपास में फिल करते हैं, ओ को सेंटर मानते हुए ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक आर्क लगाते हैं, जो कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग वाली लाइन को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। वो दो पॉइंट्स ही हमारे क्या होते हैं, डी एंड बी। 0.2 सेंटीमीटर रेडियस फिल करनी है, एक बार ऊपर आर्क लगाना और एक बार नीचे, ठीक है। तो जहां पे भी इंटरसेक्शन होगा परपेंडिकुलर लाइन पे, वही आपके क्या होंगे, पॉइंट डी एंड पॉइंट बी। नाउ लास्ट स्टेप विल बी डी और बी पॉइंट को ए और सी पॉइंट से ज्वाइन करवाना है, ज्वाइन पॉइंट डी एंड बी विद पॉइंट ए एंड सी। तो लेट्स ज्वाइन इट इन दिस वे, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड रोम्बस हो गया, राइट। ये लेंथ कितनी है 3.2 और ये भी कितनी है 3.2।